नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीके गुरुजी में। आज के इस वीडियो में हम जो प्रश्न डिस्कस करने वाले हैं उसकी पहले बात कर लेते हैं। तो प्रश्न क्या है, रूट के अंदर 161.29 को सरल कीजिए, यानी इसके हमें क्या निकालना है, इसका वर्गमूल निकालना है। संख्या क्या है, 161.29, ठीक है। अब इसको हमें सॉल्व करना है तो जोड़े बनाएंगे, एक जोड़ा यहाँ से बनेगा, एक जोड़ा यहाँ से बनेगा और एक अकेला ये बच जाएगा। तो एक बचेगा तो सबसे पहले हम एक से इसको डिवाइड कर देंगे, एक का एक बार भाग करेंगे जब ही जाएगा और एक को एक जोड़ जाएगा तो यहाँ दो बचेगा। यहाँ हमने 61 ले लिया। अब अगर एक बार करते हैं तो 21 से कम 21, दो बार करते हैं तो 22 दूनी 44, और तीन बार करेंगे तो 23 3 69 ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम सिर्फ दो बार इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 44। यहाँ माइनस किया तो यहाँ 7 बचा, यहाँ 1 बचा, और दो यहाँ जोड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 24। अब ये दो नंबर फिर से हमने ले लिए और यहाँ पे पॉइंट लगा लिया। अब कितने बार जाएगा, 7 बार करके हम देखते हैं तो 7 यहाँ आ जाएगा, 7 7 49, 7 4 28, 4 32, 7 2 14 3 17, ये यहाँ से चला जाएगा। तो आंसर हमारा क्या आ गया, स्क्वायर रूट 161.29। इसको जब हमने सरल किया तो आंसर आ गया 12.7, ठीक है ना। तो स्क्वायर रूट वाले सवालों को हमें इस प्रकार से सॉल्व करना है। आपने देखा इसको हमने धीरे धीरे सॉल्व किया और यहाँ पर पूरा चला गया तो हमारा आंसर निकल के क्या आ गया, 12.7। और ऐसे ही नॉलेज बढ़ाने वाले वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए आपके अपने चैनल पीके गुरुजी के साथ। नमस्कार।